शिवपुरी जिले के पिछोड़ तहसील में किसानों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। लंबे समय से किसान जिला सहकारी बैंक में जमा अपने खून पसीने से कमाया हुआ पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। जिला सहकारी बैंक में कैश न होने की वजह से किसान परेशान है। किसानों ने बताया कि उन्होंने गेहूं डाला था, उसका भी भुगतान किसानों को नहीं किया गया है। इसके चलते घर चलाने में भी परेशानी आ रही है। जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसानों ने जिला सहकारी बैंक के सामने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करे बैठे सुनील लोधी ने बताया है कि उनका ग्वालियर में उपचार चल रहा है। पैसे न होने की वजह से वह पैसे निकालने के लिए जिला सहकारी बैंक में आए हुए थे। उन्होंने लगभग 50,000 रुपए की आवश्यकता है, लेकिन बैंकों वालों ने उन्हें मात्र 2,000 रुपए दिए। सुनील ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हजारों ग्राहकों का जिला सहकारी बैंक में पैसा फंसा हुआ है। इस समय खेत में फसल बोई है और फसल में कीड़े मारने की दवा का भी छिड़काव करना है। किसानों को दवा छिड़कने के लिए भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। चक्का जाम पर बैठी लक्ष्मी त्रिपाठी ने बताया कि लंबे समय से हम जिला सहकारी बैंक में जमा अपने खून पसीने की कमाई का पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक है और ऐसी स्थिति में पैसा न मिलने की वजह से यह त्यौहार भी फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस संबंध में जब जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक से जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि बैंक में कैश न होने की वजह से खाता धारकों को ये समस्या आ रही है। फिलहाल इसके निदान के लिए प्रयास जारी है। वहीं जब इस संबंध में तहसीलदार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कैश की समस्या आने की वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। कैश आते ही किसानों को वितरित किया जाएगा और इस संबंध में वह जिला कलेक्टर से बातचीत करेंगे। चाहे 2 दिन से कैश नहीं आया है, अभी आज कैश के लिए डिमांड भेज दी है और 1:30-2 बजे तक अपना कैश आया जा रहा है। जैसे ही आता है तो अपन वितरण शुरू करा देंगे और लोगों की क्या है, पैसा निकालने वालों की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो रही है और इतना कैश अपने पास उपलब्ध ना होने की वजह से थोड़ा लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और जल्द से जल्द अपन कैश की व्यवस्था करवा के वितरण कार्य शुरू करवाते हैं। देखिए, उसी संबंध में अभी इनके जिला अधिकारियों से बात की है तो इनका कहना है उनके पास भी कैश कम है, लेकिन फिर भी व्यवस्था कर रहे हैं। करीब 5 लाख रुपए भी वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर, तो जितना होगा सभी किसानों को थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद बेहद समस्या क्या है ये शाम को मैं साहब से बात करूँगा। किसानों के गेहूँ खरीदी के पिछली साल का पैसा डला हुआ है, लेकिन अभी तक किसानों को पैसा नहीं मिला और किसान बहुत ही परेशान है, तो किस तरह से इन लोगों की जो शिकायत है वो दूर हो पाएगी? चलिए, ये अभी मेरे संज्ञान में आया है तो मैं इनके जिला अधिकारियों से बात करके आपको बताऊंगा पूरा, ठीक है? लेकिन आज की समस्या शॉर्ट आउट हो जाए। मामला ये है कि हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा है और साले गुजर चुकी हैं यहाँ आते आते, और हम लोग इतनी परेशान हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ बैंक वाले स्टाफ के सब बिल्कुल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला है। यहाँ जनता की कोई भी नहीं सुनने वाला, सालों से बिल्कुल यूं ही परेशान हो रहे हैं। और त्यौहार आ गया, पैसे नहीं है, कैसे जो है त्यौहार मनाएंगे? भूलिए आप, क्या करें हम, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। 3 लाख रुपये जमा है हमारा। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि बस कल मिलेगा, कल मिलेगा। आज 3 दिन तो ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिला हमें, पैसे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा है पैसे में से। मामला ये इस तरह की सहकारी बैंक है, इसमें हमारा पैसा जमा है और आज मैं भर्ती हूँ, मैं भर्ती हूँ आज, मतलब पैसा ना होने से मैं एडमिट था, मुझे यहाँ आना पड़ा। और मैं नहीं, ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिन्होंने इसमें लाखों रुपये जमा है, त्यौहार का टाइम है और सब लोगों को मतलब छिड़काव के लिए दवाई भी लेना है, किसी को कुछ लेना है, लेकिन किसी को पैसा नहीं मिल रहा इस बैंक से। मैं इतना बीमार हूँ कि आज मैं ग्वालियर एडमिट था, लेकर वहाँ से मैं वापस आ गया सिर्फ पैसे की खातिर। पैसा है ना आया तो मुझे 2,000 रुपये दिए गए इसमें, मुझे 50,000 रुपये ज़रूरत है। और आज पूरा किसान नहीं, देखो पूरा किसान, कोई दवाई लेना है, किसी को खाद लेना है, किसी मतलब त्यौहार है, मतलब खुद का पैसा लेने में इतनी झंझट है कि हम तुम्हें क्या बताएं। और शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।